हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल कुकू लाइफ स्टाइल। तो गाइज़, आज का जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं रिवील करने वाली हूँ मेरी बेटी का नाम मैंने क्या रखा है। बहुत स्पेशल नाम है, बहुत सोच के रखा है मैंने, और ख़ास बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। हर चीज़ तो आपसे शेयर किया है, प्रेगनेंसी जर्नी और अपना सब चीज़ जो भी डेली रूटीन में होता है, अपनी हेल्थ के बारे में सब चीज़ आपसे शेयर किया है। तो क्यों ना ये जो नाम है ये भी आप लोगों के साथ रिवील करना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो डालूँ तो ऑब्वियसली नाम तो होना ही चाहिए, है ना। इसलिए तो मतलब मैं बहुत स्पेशल वे से मैं अनाउंस करना चाहती थी अपनी बेबी का नाम, बट नहीं हो पाया क्योंकि अभी बाहर, और अभी मैं बाहर कहीं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि छोटी बेबी है और उसको अकेले छोड़ के बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे कोई साथ में भी नहीं है जो देखें जो मैं कुछ स्पेशल करूँ, तो नहीं हो पाया है। और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी थोड़ी सी ऐसा है, मतलब इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो अनाउंस ही कर दूँ, भले ये छोटा सा ही एक ब्लॉग होगा, बट कोई बात नहीं, मेरे लिए छोटा हो या बड़ा मैसेज आपको देना, आपको रिवील करना बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो हमने अपने बेबी का नाम रखा है। आप सबको पता है कि मेरी एक बेबी गर्ल हुई है, मेरे घर में एक लक्ष्मी आई है। तो मेरी बेबी का नाम है 1, 2, 3। मेरी बेबी का नाम है दित्या पात्रा, एंड दित्या मतलब है माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा को भी कहते हैं, और आंसर ऑफ प्रेयर्स इसको भी कहते हैं। तो हमारी दुआओं का जो एक फल है और हमारे दुआओं का जो आंसर है वो हमारी बेबी है, इसलिए ये सोच के हमने अपने बेबी का नाम दित्या रखा है, दित्या। और आप सबको आई हो अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत स्पेशल नाम है, मैंने बहुत 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 ढूंढ के ये नाम निकाला है, और बहुत स्पेशल ख़ास है मेरे लिए। और प्यार से हम लोग घर में वानिया बुलाते हैं, वानी बुलाते हैं, और जितने भी मतलब हर कोई अपने प्यार से कुछ भी, अपने प्यार से तो हर कोई अलग अलग नाम से बुलाते ही हैं, बट उसका परमानेंट नाम है दित्या, एंड हम उसके पेरेंट्स हम उसको प्यार से बुलाते हैं वानिया। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये नाम, और रिवील करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपने अपने बेबी का नाम क्या रखा है क्या। और बहुत मन्नतों से और बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद हमको हमारी बेबी गर्ल मिली है, सो वी आर सो मच हैप्पी। हम इतने खुश हैं ना, हम वो बयां नहीं कर सकते, और नो वर्ड्स हैं। इसलिए हम लोग अब समझ, मतलब कोई शब्द ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। बाकी बहुत जल्द मैं बेबी का फेस भी रिवील करने वाली हूँ, एंड थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सामने बेबी का फेस भी रिवील करूँ, एंड आई होप नाम आप सबको पसंद आया होगा। और बाकी मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस दिन का मैंने बहुत बेसब्री से वेट किया है, एंड आप सबको पता है कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कितना स्मूथ और कितने अप्स एंड डाउन, छोटा मोटा अप्स एंड डाउन से गुजरा है, आप सबको तो पता। एंड धीरे धीरे अब मैं ब्लॉग की तरफ बढ़ रही हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ की तरफ बढ़ रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ अगर हल्का फुल्का सही होने लग जाता है तो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, ब्लॉग्स बना लेती हूँ, बट अभी पूरी तरह फाइनली रिकवरी नहीं हुई है मेरी। अब सबको पता है मेरा सी सेक्शन है, एंड थोड़ा सा दिक्कत तो रहता है ना, फिर भी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं बहुत जल्दी रिकवरी करूँ, स्ट्रांग बनूँ, और ज़्यादा स्ट्रांग बनूँ, एंड बहुत ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँ। यही है, नेक्स्ट वीडियो लाऊँगी मैं अपने एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा है, बहुत सारी शॉर्ट वीडियोज़ और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए,
बेवकूफ लाइफ स्टाइल, और इंस्टाग्राम पे जो मुझे मेरे शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं वो कुकू लाइफ स्टाइल ही है नाम, आप वहाँ पर भी मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं और ढेर सारा प्यार दीजिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर 500 सब्सक्राइबर्स, और आप सबको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स वीडियोस आने वाले हैं आगे। सो स्टे ट्यून और स्टे कनेक्टेड विद मी, लव यू ऑल एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर गाइस।